Faith, isn't it? Swamiji, Bhaktagaran, Vara Premio, Tenyo Sajjunaya Vajjo. धन में आप चीजें बारिश के मौसम में भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बोले ईश्वर की ही कृपा जिस पर रहती है वही पहुंच पाता है प्रसाद पाने के लिए, भजन कीर्तन में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पर आज लगभग 2 बजे से और अभी तक वर्षा हो रही है और जनता भी आ रही है, बधाई के बात में मैं आग्रह करूंगा कि बोधा रामायण मंडली के सदस्य आकर के स्वामी जी का पुष्पों के हार द्वारा स्वागत करेंगे। बोधा रामायण वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्रया जिहा पुत्रेति तन्मेतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् कृष्णं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मां चरणं मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान के सगुरु स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रण की ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे वैष्णवगण, आदरणीय सज्जन महोदयगण, माताएं बहनें और बेटियां, यथाज्ञ सबका अभिवादन करते हुए मैं आज की कथा पुनः आरंभ कर रहा हूं।
एक बारात जाने वाली है, वो मान लीजिए यहां से लंबासा से सुबह में बारात जाने वाली थी, शायद ही तय हो चुकी थी। वर यात्री शाम को 8 बजे निकल रहे थे, जो रात भर चल करके बोट के द्वारा सवेरे सुबह में पहुंच जाएंगे और शुभ लग्न में शादी होगी। इसलिए 8 बजे रात में वर और वर यात्री समीप प्रस्तुत होकर के उस बोट में आए। बोट वो हाथ से खेने वाली थी, आजकल करके बोट इंजन से नहीं बल्कि उसमें पतवार और डांड से चार आदमी, इधर चार आदमी इधर बैठेंगे और ऊपर में छजी सजाई हुई नौका थी, उसमें सभी लोगों ने प्रवेश किया भीतर में। उसमें जो चलाने वाले थे नाविक, उनके दल के नेता को कहा ठीक 8 बजे शुभ मुहूर्त है, यहां से चल देना है। और वो सब बरयात्री और बर सब नौका के अंदर में बैठ करके कोई ताश खेलने लगा, कोई बाई जी भी थी, तबला ठनक रहा था और लोग कुछ गांजा भांग जैसे, यहां नशीली क्या चीज होती है, जगोना जैसा कुछ ले लिया मीठा मीठा, बड़े आनंद के साथ में यात्रा करने लगे। नाव के नेता पतवार जो चलाने वाला था वो आया, बोला जी देखिए बहुत परिश्रम है, सारी रात नौका चलानी पड़ेगी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा गांजा और भांग दे दें जिससे कि पी करके हम लोग रात भर चलाएंगे, नहीं तो हम लोग चला नहीं सकते इतना। अच्छा ठीक है, उन्होंने उनको दे दिया, उन्होंने भांग लगाया और पीस करके पिया और इसके बाद में गांजा भी दम चिलम पर लेकर के उन्होंने लगाया और जुट गए वो नौका चलाने में। अब बड़े जोर से नौका चलने लगी और ये आनंद में मशगूल होकर के बाई जी का नृत्य और गान सुन रहे हैं, कोई पासा खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में खाते पीते मौज करते हुए बारात रवाना हुई। जब सवेरा हुआ तो इन लोगों ने सोचा जे अब तो हम लोगों को सुबह पहुंच गए होंगे, अब तो उतरना ही होगा। तो बर के पिताजी नौका के ऊपर में आए और देखा जी हम लोग कहां पहुंचे हैं, सुबह के किस जगह घाट पर पहुंचे हैं कि नहीं। उन्होंने देखा जी जहां से हम चले थे अभी तो हम वहीं हैं, वही नारियल का पेड़ है और वही घाट जहां पर हम लोग थे, नौका भी चल रही है। उन्हें नौका, अरे तुम लोग ने नौका चलाया नहीं, नौका तो उसी घाट पर है, हम लोग तो पसीने से तर पर हो रहे हैं, रात में कहीं नहीं हम लोगों ने बंद किया, नौका भी बड़ी देर से चल रही, नहीं तो ये तो वही गांव है, वही हमारा नारियल का पेड़ है, वही घाट है हमारा, वहीं से घर दिखाई पड़ता है, तुम लोग क्या किया, ये तो सब चौपट हो गया हमारा, विवाह की शायद भी नष्ट होगी, विवाह भी बंद हो जाएगा, सब गड़बड़ हो गया। उन्होंने देखा जी क्या हुई, उन्होंने लंगर नहीं उठाया, लंगर होता है ना, लंगर उठाया नहीं और नौका भी चल रही है, घूम रही है और वो चल नहीं रही, नौका भी चल रही है किंतु टस से मस इधर से उधर नहीं हो रही, एक इंच भी
नहीं पड़ी। विवाह पंड हो गया, फिर किसी प्रकार से टेलीग्राम दिया गया, अब इस बार उस दिन का साइट बंद करके अब फिर दूसरे दिन के लिए विवाह रखा। तात्पर्य इसका यह, भजन करने के लिए हम साधन भजन खूब करते हैं, सवेरे बैठ करके ठाकुर जी की पूजा आरती सब कर लेते हैं, कुछ नाम भी कर लेते हैं, रामायण का प्रवचन भी कर लेते हैं, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुपानी, सुत सिद्धांत यह उर्वारी भजी राम सब काज विचार सब कर लेते हैं, किंतु संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति जहां थी वहीं रही। संसार के प्रति हमारी आसक्ति, ये लंगर नहीं उठाया लंगर, ये यदि उठा करके संसार से आसक्ति को हटा देते, मैं और मोर तोर तय माया ये हटा लेते जरा, और फिर भगवान में वो मैं, वो हमारे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं, और भगवान के चरण में प्रीति रहे, अनुपायनी भक्ति रहे, तो थोड़ा सा भजन करने से भी इतना भजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा कार्य सिद्धि हो जाएगा, और हम देखेंगे सहज ही माया को पार करके सदा के लिए प्रभु के धाम में पहुंचकर उनकी नित्य सेवा में प्रवेश कर सकते। आप समझ रहे होंगे ये आसक्ति क्या चीज, जब तक ये आसक्ति नहीं हटाएंगे संसार से, ये मेरा है यही खूब अच्छा रहे, बेटे फलते फूलते रहे, जरा नाती का मुख देख लेता या देख लेती बहुत अच्छा, हरे कृष्ण हरे राम ठाकुर जी के घर में गए पूजा किया, अभी ऑफिस में जाना है, आज विलंब हो गया है, जल्दी से जल्दी किया मन तो वहां और इधर अर्चन करके जल्दी से, इसलिए ऐसे भजन से नहीं होगा। शुद्ध रूप में परमार्थी गुरु हो और हमारी लगन हो जो भगवान को पाना है, एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ देयर मस्ट बी दैट, जब तक ये एम ऑब्जेक्ट लाइफ का ये जो भगवान का प्रेम हमको चाहिए, भगवान के चरणों में अनुपायनी भक्ति चाहिए, और उसके लिए हम सदगुरु से लेकर के संबंध भगवान से काम करके जब तक नहीं करेंगे, और इस आसक्ति की हटा करके ऊपर नौका में रख लेंगे, माने भगवान के चरणों में रख लेंगे, तब थोड़ा भी भजन होगा तो हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में एक ऐसा प्रसंग है कि साधक लोग भी बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए, कहीं आसक्ति रूपी लंगर को भी हटा लिया है, और हटा करके भजन करने लगे, घर बार छोड़ दिया, स्त्री पुत्र परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके अब वन में एकांत स्थिति में जाकर के भगवान का भजन करने लगे, किंतु किसी प्रकार से वो लंगर फिर सब गिर गया पानी में, अर्थात अपना किसी चीज में घर में छोड़ करके आए हैं सबको, और न जाने कहां एक कुत्ते पर लग गया प्रेम, और बस उनका तीन जन्म खराब हो गया। कैसे, इसको श्रीमद् भागवत से समझिए, भजन करने से ही नहीं होगा, आसक्ति को हटाइए, भगवान में वो आसक्ति दीजिए, संबंध के साथ में भजन कीजिए, तब तो होगा। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग थोड़े से संक्षेप में शुभानंद ब्रह्मचारी जी धीरे धीरे बतलाइए, संक्षेप में बतलाएंगे 15 मिनट अधिक से अधिक। तर्भक्ताय नमो।
अस्मदीय गुरु पाद पदों में असंख्य कोटि जन्म प्रणत जयपुर करता हूँ। तदनंतर उपस्थित पूज्य वैष्णव समस्त सज्जन माताएं बहनों सबको मेरा यथायुक्त प्रणाम स्वीकार। अभी अभी आपने श्रवण किया है संसार के प्रति आसक्ति ही दूर का कारण बंधन का कारण। जितने हम इस आसक्ति में डूबते जाएंगे उतना ही हमारा बंधन है और इस बंधन के कारण संसार में मोह होता है और उस मोह से पुनः पुनः जन्म मृत्यु संसार में आवागमन होता है। बहुत बार हम लोगों ने जन्म दिया, बहुत बार इस जगत में हम आए और फिर हम इस शरीर को छोड़कर चले जाते। इस प्रकार यह जन्म मृत्यु सदा ही चला आ रहा है। इसमें से निकलने का एक ही उपाय भगवान श्री हरि की आराधना। जब तक इस मनुष्य जीवन में हम भगवान की आराधना करते हैं तब हम संसार से निकल जाते हैं, अन्यथा इस संसार में आना अनिवार्य। इस मृत्यु के हाथ से कोई बचा नहीं सकता। जन्म मृत्यु में हमें भ्रमण करना होगा। इसलिए सुमद भागवत के लिए प्रसंग जो है श्री भरत महाराज की कथा थी। ऋषभ देव के पुत्र के भरत महाराज जिनके नाम से यह भारतवर्ष हुआ है। भरत महाराज बहुत बड़े प्रतापी राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, प्रजाओं को पुत्रवत उन्होंने पालन किया। परंतु भगवत भक्ति होने के कारण युवा काल में ही उन्होंने राज्यपाल धन ऐश्वर्य संपदा सब कुछ परित्याग कर दिया। एक आश्रम में जाकर के उपस्थित हुए, वहां भजन साधन करने लगे। पास में गंडकी नदी, प्रतिदिन उसमें स्नान करते, हाथ में शालग्राम शिलाएं लग जाती तो उन शिलाओं को उठा करके लाते, प्रतिदिन उस शालग्राम शिला की पूजा किया करते और विधिवत भगवान का भजन पूजन मंत्र जप आदि के द्वारा निरंतर प्रभु के भजन में लगे थे। भजन करते करते बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंचे। एक दिन दैव क्रम से हुआ क्या, यह हिरण नदी के किनारे वहां पानी पीने के लिए उपस्थित थे। जैसे पानी पीने लगी इतने में एक सिंह आया, बड़े जोर से गर्जन किया। उसके गर्जन से हिरण कांप उठी। उस समय हिरण ने पानी के ऊपर छलांग लगा दी। जैसे ही कूदी इतने में उसके पेट में बच्चा था तो पेट से स्खलित हो गया। हिरण उस नदी को पार करके उस पार निकल गई और उसका बच्चा जो था पानी में डूबता उतरता रहा। ऐसे समय में भरत महाराज जी जो भजन कर रहे थे उस हिरण शिशु को देख करके उनके उसके प्रति दया आई। तब वहां से उठ के चले, पानी में तैरते हुए गए, जाकर के उस बच्चे को उठा दिया, लेकर के आए, कोमल कोमल पत्तों को खिला करके उसको पालन पोषण किया। अब वो हिरण शिशु इतना प्यारा हो गया कि दिन रात उसके गोद में चढ़ जाते, अभी उसके साथ आमने सामने खेलते कूदते। हिरण को देख करके भरत महाराज जी का उसके प्रति बड़ा स्नेह उदय हुआ और उस स्नेह ममता जो संसार में स्नेह ममता लगाई जो छोड़ करके आए थे आज एक हिरण शिशु के प्रति ममता बढ़ती चली गई। इस कारण उनका भजन साधन धीरे धीरे झीला होता चला गया, शिथिल हो गया। ऐसे समझ में एक दिन काम उपस्थित हुआ,
हिरण का दल आया तो हिरण के दल में वो हिरण शिशु भी चला गया, निकल खेलते कूदते हुए चला गया, उसे पता नहीं चला। भरत महाराज ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते दिन भर हो गया, पता ही नहीं चला। शाम हो गई, एक पहाड़ की चोटी में चढ़ गए, वहां से बहुत दूर तक देखा, जब संधान नहीं मिला बड़े दुखी हो करके घर में लौटे, आश्रम में बैठे हुए हिरण की चिंता में डूब गए। ऐसे समय में काल उपस्थित हुआ, जो जिसकी चिंता करता है उसके सामने काल उसी रूप में आता है और उसी रूप में आकर के उसमें तन्मय हो जाता है और वैसे ही काल उसको अपने गाल में समा लेता है। भरत महाराज जी हिरण की चिंता करने लगे कि देखा कि वही काल हिरण रूप बन करके वहां उपस्थित हुआ, उनको पता नहीं था कि यह काल है, परंतु तो हिरण की चिंता में डूबे हुए कि वही हिरण सामने आया, उसे देख करके बड़े आनंदित हुए और उस हिरण की चिंता में आविष्ट थे कि इतने में शरीर छूट गया। शरीर के छूट जाने से दूसरे जन्म में हिरण होकर के जन्म लेना पड़ा। यही संसार में परिणाम होता है। जम जम बापी स्मरण भाव तय तम ते कलि वरम तम तमी वर्ति कौंतेय सदा तद भाव को भावित। भगवान ने अर्जुन को कहा है, अर्जुन अंतिम समय में जो व्यक्ति जैसा जैसा चिंतन करता है उसके अनुरूप उस भाव में विवाहित होकर वैसे ही जन्म को धारण करता है, जन्म ग्रहण करता है। इसलिए हम लोग संसार में जैसे जैसे चिंतन मनन करते हैं, जीवन भर हम लोगों के किए हुए वही सब अंतिम समय आने पर स्मरण में आ जाता है और उसी उसी चिंता में डूबे हुए व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है, अगले जन्म में जाकर के फिर से वैसे ही जन्म लेता है। भरत महाराज दूसरे जन्म में हिरण होकर के आए, परंतु पहले जन्म में उन्होंने भजन साधन किया इसलिए उनको स्मरण बना रहा, उसको जाति स्मरण कहा जाता है। स्मरण हो जाने से अब उन्होंने सोचा कि अब हमें इस सुख में नहीं रहना, इधर उधर घूमना फिरना भागा दौड़ी ये समस्त छोड़ करके एक आश्रम में ही रहने लगे। वहीं रहकर वे ऋषि मुनियों के झूठे पत्थर प्रसाद जो कुछ मिल जाता वही सब खा करके जीवन धारण करने लगे, उनके कथाओं को सुनते और ऋषि मुनि उनकी कथाओं को सुनने लगे। उनके स्वभाव में जो कथाएं होती हैं वो सब बड़े ध्यान से सुना करते, इस प्रकार भक्ति भाव में ही डूबे रहे। अंतिम समय आया शरीर छोड़ने का, उस समय वहां नदी में उतर गए, पानी में जा करके आगे शरीर को डुबो कर वहीं पर भगवान की स्तुति प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार स्तुति करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा। हिरण शरीर छूटने के पश्चात तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म होने पर पूर्व जन्म की स्मरण रही, इसलिए भरत महाराज जी अब जन्म भरत बन गए कि जीवन भर किसी से बातें नहीं की, न मुंह खुला, न कोई बातें की, न किसी प्रकार कोई ऐसा काम हो जिससे कि आसक्ति बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। जड़वत एक पागल के भांति उसी तरह से रहने लगे। इधर पिता माता ने बहुत प्रयास किया पढ़ाने लिखाने को, परंतु कुछ पढ़े लिखे नहीं। अंत में उनके पिता माता स्वर्गवासी हो गए। इधर में उनके भाई और भातृवधु उन लोगों ने उतना आदर नहीं दिया, जैसे तैसे उनको जो कुछ मिलता खाने पीने को दे देते, परंतु वे उसी से संतुष्ट रहते। किसी प्रकार कोई कष्ट दुख मोह उन्होंने अपने जीवन में नहीं अनुभव की। इस प्रकार
चलता फिरता रहा। एक दिन उनके भाइयों ने एक खेती में बैठा दी पहरा देने के लिए, बोले खेत की पहरादारी करो। पहरादारी में बैठे हुए गाय आ करके, पक्षी आ करके खेती को उजाड़ने लगे, खाने लगे, पर तो इनको कोई परवाह नहीं, उधर की तरफ पीठ पीठ फेर कर बैठे हुए। इसी प्रकार बैठे ये समय कुछ डकैत लोग हैं। डकैती कहने को मन चाहा कि आज अच्छी डकैती हो जाए, अच्छा लूटमार में सामान मिले, तो देवी को एक मनुष्य की बलि चढ़ाए। इस प्रकार डकैतों में डकैत लोग देवी की पूजा करते थे, देवी से प्रार्थना की मांग किया था। तो उस दिन रात को वो ढूंढ रहे थे कोई एक आदमी मिल जाए, देखा कि खेती में बैठा हुआ एक आदमी है। तो भरत महाराज जी बैठे हुए थे, उसे उठा करके पकड़ करके ले गए तो कोई बात नहीं, ले जाकर के उनको खिलाया पिलाया, लाल कपड़े गले में बांध दिया, लाल फीता आदि तिलक लगा दी, और देवी के सामने ले जाकर के बलि देने की दो लकड़ी होती है तो उसके बीच में उसे लगा दी, उसके गले को लगा करके ऊपर से लकड़ी छोड़ दी बलि देने के लिए। फिर भी भरत महाराज जी को कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, जो प्रभु की इच्छा होगी वही है। जब डकैत के सरदार ने पूजा करके बलि देने के लिए तलवार उठाया, इतने में मूर्ति में से देवी अट्टहस्त करती हुई एकदम निकल गई, हंसती हुई डकैत के सामने आ गई। सभी लोग देख करके आश्चर्य में है कि देवी हमारी पूजा से प्रसन्न हो गई है, स्वयं बलि लेने के लिए यहाँ आ गई। और देखते देखते डकैत के हाथ से तलवार को ले लिया, ले करके जितने डकैत वहां खड़े थे सबको समाप्त कर दिया। तलवार फेंक करके साथ ही साथ उस लकड़ी में से उनको उठाया, उनके सारे बंधनों को खुला, खोल करके देवी ने क्षमा मांगी कि आप ब्रह्मज्ञ महान ऋषि, आप छिपे हुए देश में इस प्रकार घूमते हैं, लोगों को पता नहीं, इन डकैतों को आप क्षमा करें, हमें भी क्षमा करें। इस तरह से ये ब्रह्मज्ञ पुरुष जो कि भरत महाराज जी भगवान के चिंतन में, भगवान की आराधना में डूबे हुए, उनको संसार से कोई परवाह नहीं। फिर वहां से चले, वहां से चल करके फिर खेती में बैठे हुए। दिन में रघुकर महाराज जा रहे थे किसी ऋषि आश्रम में, तो पालकी में बैठे हुए थे, कहा लोग कंधे पालकी लेकर के चल रहे हैं, चलते चलते उन कहारों में से एक को बुखार आ गया। बुखार आ गया में से बोले कि महाराज एक को बुखार हो गया, हम लोग कैसे चले। तो महाराज ने आज्ञा दी, जाओ हमारे राज्य में कोई बेगार हो, कोई व्यक्ति मिल जाए ऐसे, उसको पकड़ करके लाओ। तो ये लोग ढूंढने चले, ढूंढते ढूंढते देखा कि खेत में एक मोटा छोटा आदमी बैठा हुआ है, भरत महाराज जी को मिला, तो भरत महाराज जी को पकड़ करके लिया है, पालकी में लगा दी, बोले जी चलो चलने लगे। चलते चलते अब उनको उन लोगों के ताव में उसी प्रकार चलने का अभ्यास कहा है। दूसरी ओर रास्ते में कीड़े मकोड़े हैं, वे देख सुन करके चलने लगे। तो चलते चलते पालकी और हिलने डुलने लगे, तो राजा अंदर बैठे हुए गिरने लगे, बोले कि क्या हो रहा है, पालकी ऐसे क्यों ढो रही है, कैसे हिल रही है। महाराज ये नया आदमी जो चल रहा है ये ठीक ढंग से चल नहीं पाता है, इसलिए पालकी हिल रही है। उस समय राजा बड़े कटाक्ष किए, बोले कि अरे तुम खाया पिया नहीं है, बहुत दुबला पतला है, बड़ा कमजोर है, चल नहीं पाता है, समझता नहीं है मैं देश का राजा हूं, ऐसे ऐसे कहा, कुछ बोले नहीं, चलने लगे। चलते चलते फिर से ऐसी पालकी तो ढुलने ढुलने लगी, तब बोले अरे बड़ा ठीक है, तो समझ नहीं रहा है मैं देश का आने हूं, मैं तुम्हें अभी दंड दूंगा।
मैं शासन करने वाला हूं। तो इस तरह से कोई बात नहीं। उस समय भरत कुमार जी ने मुंह खोला, बोले कि अरे कौन राजा है और कौन प्रजा, कौन मोटा और कौन पतला, कौन शासन करने वाला, कौन किसको शासन करता है, ये सारी बातें। इतने में रघुनाथ राजा को बड़ा ध्यान आया, बोले अरे मैं इन्हीं प्रश्नों को करने के लिए तो जा रहा हूं, इसी साधु संतों के आश्रम में पहुंचना चाहता हूं, यही प्रश्न तो मेरे अंदर में था। और ये बोले कौन है, आदेश दिया कि पालकी उतारो, पालकी उतारी थी, महाराज बाहर आए, आकर के उसके और देखा कि उसके गले में एक जनेऊ है, ऊपर भी प्रारंभ है, शरीर में धूल मिट्टी मेरा जम रहा है, फटे पुराना ये कपड़े पहने हुए, ये कौन है। तो उस समय उनको प्रणाम किया कि लगता है आप कोई ब्राह्मण, कोई महान ऋषि, आप तो कोई कपिल देव तो नहीं है, आप तो कोई ऐसे महान ऋषि तो नहीं है, आप कौन है, कृपा करके हमें बतलाएं। और मैं आपने जो कुछ कहा, मैं इन्हीं सब को जानने के लिए जा रहा था, मेरे समझ में नहीं आया आपके इन बातों को, आप कृपा करके समझाएं। तब भरत जी ने कहा अहम पूरा भरतो नाम राजा आसि, मैं पूरा काल में भरत नाम का राजा था, आप ही के पूर्वज, मेरे नाम से ये भारतवर्ष है, चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ छोड़ करके आया भजन करने को, और भजन करते करते ये हिरण के प्रति आसक्ति जम गई, उस कारण मुझे दूसरे जन्म में हिरण होकर के जन्म लेना पड़ा, और तीसरे जन्म में मैं इस प्रकार ब्राह्मण कुल में आया। इसलिए हे महाराज रहूंगा, इस संसार में आत्मा जो है अजर अमर नित्य सनातन है, उसका न तो कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु है, वो नित्य सदा एक ही एक रूप है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन जो कुछ होता है केवल शरीर का होता है, यह शरीर कपड़े के समान है, जैसे हम एक नया कपड़ा पहनते जब वो पुराना हो जाता है फट जाता है, उसे बदल के फिर नए कपड़े को धारण किया जाता है, ऐसे ही आत्मा कर्मों के द्वारा इस शरीर को धारण करती है, जब यह शरीर बुढ़ापा में आ जाता है, टूट फूट जाता है, कमजोर हो जाता है, उस शरीर को छोड़कर फिर नए शरीर को धारण करती है, इसलिए आत्मा जो है अजर अमर, और यह शरीर वस्त्रों के समान है, ये एक मशीन के समान है कि उसके पुर्जे जब खराब हो जाए तो उसको फेंक देते हैं, इसी तरह से इस शरीर को बदलते हुए आत्मा अजर अमर जो कि नित्य सनातन वस्तु है, वह न मोटा है न पतला है, आत्मा न तो मोटा है न पतला है, न उसकी कोई जाति है न किसी में है, वो सदा एक रूप है, इसलिए आत्मा को कहा गया है कि वह भगवान का सेवक है, सेवा ही उसका धर्म है, वह नित्य सच्चिदानंदमय है, उसके अंदर आनंद है, आत्मा के अंदर सत्ता है, आत्मा ज्ञानमय है, इसलिए संसार में आए हुए आत्मा हमेशा नई नई चीज को नए नए ज्ञान को जानना चाहता है, और आत्मा अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है, ना कभी खोना चाहता, और आत्मा आनंदमय है, इसलिए संसार में आकर के भी सदा सर्वदा आनंद का खोज करते हैं कि वह वास्तव आनंद नित्य आनंद कहां मिले। परंतु संसार में हम लोग आसक्त होकर के इन विषयों में उस चिर आनंद चिर शांति को ढूंढते हैं, संसार के जितने भी वस्तु हैं वे सब नाशवान है, जिसको हम देख रहे हैं इन आंखों से, ये समस्त नाशवान पंचभौतिक वस्तु है, परिवर्तनशील है, अतः इसमें जीव कभी सुखी नहीं हो पाता है न कभी शांति लाभ कर सकता है,
इस शरीर के अंदर में आत्मा रहती है, वह कैसे रहती है? जैसे कि एक मूंगफली है, ऊपर का छिलका होता है, उसके अंदर एक पतला छिलका है, उसके अंदर दो दाने हैं। इस प्रकार ये स्थूल शरीर है, हड्डी मांस चमड़े का, उसके अंदर ये सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त का सूक्ष्म शरीर। उस शरीर के अंदर में आत्मा और परमात्मा दोनों ही निवास करते हैं, परंतु परमात्मा जो है साक्षी रूप में है, जीवों के कर्मों का फल प्रदान करते हैं। बेकरी संसारिक दुख कष्ट जन्म मृत्यु ये सब को भोग नहीं करते। जीवात्मा इस शरीर में आ करके इस शरीर में अहंकार अनुमान के कारण इसी में आसक्त होकर के दुख कष्ट सुख दुख लाभा लाभ जय पराजय मान अपमान जस अपजस को भोग करता है। इस कारण अपने को दुखी समझता है, अपने को सुखी समझता है, इस जन्म मृत्यु में आविष्ट रहता है। एक चूल्हे के अंदर तो चूल्हे के ऊपर में बर्तन चढ़ाया, बर्तन में आपने पानी डाल दिया, पानी के अंदर में चावल रख दिया, तो थोड़ी देर में वह चावल पक जाता है। चूल्हे में भट्टी में आग जल रही है, वह आग चूल्हे में, उसके ऊपर में बर्तन रखा गया है, बर्तन में आग लगता है, उसमें गर्मी लगने से उसके अंदर पानी जो है पानी खोलने लगता है, और पानी के खोलने से उसके अंदर जो चावल रखा हुआ है वो चावल गल जाता है। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर में आत्मा है, आत्मा अजर अमर है, नित्य सनातन वस्तु है, परंतु इस शरीर के अंदर होने के कारण इस संसार के सुख दुख लाभ लाभ जय पराजय जो कुछ शरीर के द्वारा अनुभव होता है, शरीर से मन को अनुभव होता है, मन के द्वारा बुद्धि को और बुद्धि से आत्मा ये सब अनुभव करती है। आसक्ति मूल कारण है, नहीं तो शरीर में रहने से भी नहीं होता। इसलिए यह आसक्ति ही उसका मूल कारण है कि आत्मा इस शरीर के अंदर होते हुए आसक्ति के कारण, इस शरीर के प्रति आसक्ति, मन के प्रति बुद्धि के प्रति आसक्ति, इसके प्रति आसक्ति होने के कारण दुख सुख भोगता है, दुख सुख सुख दुख को भोग करता है और इससे अभिभूत हो जाता है इस संसार में। इसलिए भरत महाराज जी कहते हैं हे राजन प्रभुगण, इस संसार में लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं, जब सुख के लिए प्रयास करते हैं तो जीवन में जितना ही बढ़ते जाते हैं उतना ही उसके जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य ये स्वयं को जो छह शत्रु ये जीवन में आ जाते हैं, लोग उसी के वशीभूत हो जाते हैं शरीर के प्रति आसक्ति के कारण, कभी काम वासना में, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मोह के, कभी मौत और मात्सर्य में डूब जाते हैं। इसके वशीभूत भोग करके लोग जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसे वैसे फल को भोगते हैं, इसलिए और इसमें दुखी हो जाते हैं। लोग संसार धर्म को आश्रय करते हैं, संसार धर्म पालन करते हैं, रजोगुण तमोगुण के द्वारा अहंकार अभिमान में आविष्ट हो जाते हैं, उस समय उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसमें आविष्ट होकर काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होकर इस संसार की माया की सेवा में लगे थे। इस प्रकार माया में आसक्त होकर के इस प्रकार अज्ञान मोह में डूब जाते हैं कि उसे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उस समय शरीर के लिए भय, रुपए पैसे धन दौलत के लिए भय और बंधु बांधवों के लिए भय उपस्थित होता है, भगवान को भूल जाता है, बुद्धि विपर्यय हो जाती है, डामाडोल हो जाती है कि किधर जाए, क्या करें, नहीं करें, कहां जाऊं, क्या करूं, कोई स्थिर नहीं कर पाता। संक्षेप में बोलो, इसलिए बुद्धि विपर्यय होता है, किन कर्तव्य विमूल, किधर जाए, कहां जाए, क्या करें, स्थिर नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में भी भटकते रहते, ऐसे संसार में आसक्त हो करके ये गृहरूपी अंधकूप में इस प्रकार डूब जाते हैं, जैसे कि भरत महाराज जी कहते हैं
कि हे राजन, कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा है, चलते चलते पीछे से बाघ ने उसे आक्रमण किया। वो दौड़ता हुआ गया ये कुएं के अंदर जिसमें पानी नहीं, और उसके दीवार में पेड़ की डालियों से झाड़ी जैसे बन गया। कुल जल के पानी पेड़ की डाली पकड़ लिया और उसी में लटक गया कुएं में। जैसे ही लटक गया कि इतने में बाघ आया, बड़े जोर से गर्जन किया, और नीचे एक सांप था, उसने भी फल उठाए और फौस फौस करने लगा। अब ऊपर मृत्यु नीचे मृत्यु, जिस पेड़ की डाली को पकड़ करके लटक रहा है उसमें भी मधुमक्खी की छत्ता लगी हुई है। चार और मक्खियां मक्खी अब काटने लग गए, घेर लिया। जिस डाली को पकड़ करके लटका हुआ है उस डाली को दो चूहा काटने लगे। इस प्रकार ऐसी स्थिति में संसार में पड़ेगी मनुष्य गृह रूपी अंध रूप है, कि हम लोग ये घर बना करके इस संसार में आकर ये गृह निर्माण करके उसी के अंदर प्रवेश करते हैं। बंधु बांधव आत्मीय सजन ये संसार के मधुमक्खी की छत्ता है। इस मनुष्य शरीर रूपी पेड़ की डाल को पकड़ करके हम लटक रहे हैं कि इस शरीर के द्वारा हम सुख शांति भोग करें, परंतु सुख शांति नहीं मिल पाती है। क्यों? ऊपर जमराज हमारी चोटी को पकड़े हुए हैं और कामरूपी सर्प को फांस फांस करके फनक उठाए हुए हैं। कभी भी हमें काट देंगे जमराज, कभी भी हमें पछाड़ मारेंगे, हमारे मृत्यु अनिवार्य है। चार ओर से मृत्यु घिरी हुई है, दो चूहे काट रहे हैं और उसमें भी दो चूहे उस शरीर रूपी पेड़ की डाली को काट रहे हैं। इस शरीर की जो आयु है इस आयु को काटते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारी आयु तो 50 हो गई है, हमारी आयु 60 हो गई है, वही नहीं, ये आयु समाप्त हो गई है 60 वर्ष। दिन और रात ये दो चूहे मिलकर के आयु को छीन करते जा रहे हैं। इसी प्रकार थोड़ा सा समय बचा हुआ है, किस समय मृत्यु आएगी कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति में जब तक समय है तब तक बुद्धिमान पुरुष आत्म कल्याण की चिंता करेंगे। इसलिए ये संसार मायामय है, जान करके गुरु के चरणों में आश्रय लेकर एकांतिक भक्ति के द्वारा भगवान श्रीहरि की आराधना करें। इससे अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं। इस संसार दुख है, इसके आसक्ति मोह को छोड़कर मनुष्यों को चाहिए प्रभु की आराधना करना। लोग संसार में बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई पानी में पानी देते हैं, कोई सूरज को पानी देते हैं, कोई दीपक दान करते हैं। इन सब के द्वारा क्या फल होगा? थोड़ा सा कोई सांसारिक फल मिल सकता है, परंतु पारमार्थिक कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि रघुगणी तपस्या न जाती। हे महाराज, रघुगण तपस्या के द्वारा प्रभु को पाया नहीं जा सकता है। न चेजया निर्वापनाथ गृहा द्वार, लोग पूजा पाठ करते हैं उसके द्वारा कल्याण होगा यह भी नहीं। घर से निकल करके कहीं भाग जाते हैं, जंगल में पहाड़ पर्वतों की गुफा में छिप जाते हैं, वहां रहते एकांतवास करते, इसके द्वारा भी कल्याण होने का नहीं है। न छंदसा नहीं वो जलाने सूर्य, केवल वेद पाठ करने से भी नहीं और जल की अग्नि की सूरज की पूजा करने से भी नहीं होगा। बिना महत पाद रजो भी सीतम, जब तक एक संत पुरुषों के महापुरुष के चौरों में अपने जीवन को नोछावर नहीं करते, अपने जीवन को उनके चौरों में अभिषेक नहीं करते, संपूर्ण रूप से समर्पण नहीं करते, तब तक आत्मकल्याण होना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा।
इसलिए कोई ऐसे अनुभवी संत महापुरुष हो संसार से निर्मुक्त शास्त्र ज्ञानी भगवान के दिव्य अनुभूति को पाए हैं ऐसे सदगुरु के चरणों में यदि कोई व्यक्ति आश्रय ग्रहण करे तब उसके जीवन में वास्तविक कल्याण ही कल्याण है अन्यथा और कोई उपाय नहीं। इसलिए हे महाराज इस संसार के आसक्ति मोह को त्याग दें इसमें कुछ रहा नहीं सार सार वस्तु तो संत पुरुषों के चरणों में जाने से ही मिलेगा भगवान श्रीहरि की आराधना ही जीवन का कर्तव्य है। इसलिए यह दुर्लभ मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है ऐसे सुदुर्लभ मनुष्य जीवन में संसार से निकलने का एकमात्र रास्ता है दूसरा कोई रास्ता नहीं। और जितने प्राणी शरीर हैं वे सब भोग यही है उसमें केवल भोग होता है मनुष्य जीवन में ही कर्म करने का अधिकार भगवान ने दिया है इस जीवन में ही साधना की भूमि हम साधना के क्षेत्र में इस धरती में आए इसलिए यहाँ पर हमें ऐसी साधना करनी है कि इसी जन्म में हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है इस लक्ष्य को केंद्र बिंदु को लक्ष्य करते हुए हमें जीवन में अग्रसर होना है यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य इस प्रकार भरत महाराज जी ने उपदेश दिया है हम लोग भी जरूरी श्रीमद् भागवत भागवत की इन कथा प्रसंग में भरत महाराज जी की कथा को अपनाएं और इन शिक्षाओं को यदि ग्रहण करें जरूर हम सबका आत्मकल्याण होगा। मैं इन्हीं कथा के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। कृपा सिंधु परितारं पावने वैष्णवे तो आप लोगों ने सुना भरत चरित्र श्रीमद् भागवत का एक प्रधान प्रसंग है भगवान की आराधना कर रहे हैं अपना जीवन का सब कुछ छोड़ दिया भगवान के ऊपर सर्वधर्मानुप्रत्यज्यमाम एकम शरण और देवी कैसे उनकी रक्षा कर रही हैं उनसे क्षमा मांग रही हैं ये देखिए यही दुर्गा जी हैं भक्तों का कितना आदर करते हैं इसलिए देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं भूतों की पूजा करने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं और हमारा पूजा करने वाले हमारे परम धाम को प्राप्त करते हैं जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम फिर वहां से वो लौटते नहीं है इसलिए हम सोमवार करें चाहे रविवार करें चाहे और देवता देवियों की उपासना करें उससे सांसारिक भोग तो थोड़ा सा मिल सकता है किंतु वही भोग दुख का कारण होगा ये समझिए। इसलिए व्रतों में यदि हरिवासर करें हरिवासर माने एकादशी जन्माष्टमी रामनवमी इत्यादि का व्रत यदि किया जाए तो अपने आप शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे सोमवार उन्हीं के लिए होता वो भी प्रसन्न हो जाएंगे दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएंगे सारे देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे और यदि अप्रसन्न भी होंगे तो कुछ नहीं कर सकते स्वयं भगवान का चक्र उनकी रक्षा करता है। दुर्वासा और अम्बरीश की कथा आप लोगों को याद होगी तो इस तरह से एकांतिक रूप में भगवान का भजन करेंगे और उन पर छोड़ देंगे अपने जीवन की परवाह नहीं करेंगे भगवान किस प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। ये रघुगण राजा उस समय भारत के सम्राट थे वो जा रहे थे कपिल देव के आश्रम में कुछ ज्ञान तत्व के लिए भरत जी मिल गए और पालकी से उतरे उसमें पूछा आप कौन हैं तो वही आपका वंश का बहुत पुराना चक्रवर्ती महाराज भरत हूं जिसके नाम पर भारत पड़ा है। अरे आप भरत हमारे पूर्वजों में से मैं तो उनकी गाथा सुनता हूं मैं वही और फिर जो हमारे श्रीमान ब्रह्मचारी जी ने तत्व सब सुनाया वो उनको सुनाया
इसके बाद में उनको भी वैराग्य हो गया संसार से आसक्ति छोड़ करके भगवान का भजन करने के। सुनने का फल क्या है? एक समय महाराज विक्रमादित्य के दरबार में एक कपालिक आया। कपालिक समझते हैं, नंग धड़ंग मदपान किए हुए और एक मरे हुए खोपड़ी को साथ में लेते हुए आया और महाराज जी के दरबार में पहुंच करके कहा, मैं यहां पर बड़े सुनते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, तो ये तो बतलाएं ये खोपड़ी जिसकी है वो खोपड़ी वाला जो था वो बुद्धिमान था या मूर्ख था? वहां पर आठ तो नवरत्न थे, एक कालिदास नहीं थे और बाकी सब लोग थे, महाराज भी थे, कोई उत्तर नहीं दे सका। अजय यही नवरत्नों की सभा है, मूर्खों की सभा। वो जा रहा था, इतने में कालिदास जी आए। महाराज जी ने कहा, जे महाराज थोड़ा सा दूर और ठहर जाइए, जरा इनसे पूछ लें, यदि नहीं जवाब देंगे तो आप जाएंगे। इतने में कालिदास आए, कालिदास से पूछा गया, पूछा उन्होंने एक नारियल की सीक होती है, नारियल के पत्तों की सीक ली और इसमें लगाया तो देखा जो उधर में निकल गया। आप लोग समझ गए, इधर लगाया इधर निकल गया, तो माने क्या? ये बड़ा वज्र मूर्ख था, जो कुछ सुनता था इधर से और इधर से निकाल देता था। यदि यह डंड ये सीख यदि भीतर चली जाती तो इसका मतलब है वो सुनकर पर गौर करके विचार करके ग्रहण करके तब काम को करता, तो ये बुद्धिमान होता, तो ये वज्र मूर्ख था। सुन करके वो खाले एवं मत, बहुत सुंदर, मैं इस प्रश्न से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आप लोगों को इतने हम लोग कथाएं सुन रहा रहे हैं, पैसे आरती में भी एक पैसे का प्रश्न नहीं रखते, हम चाहते क्या है हमारी कथाएं इस कान से इस कान से निकल न जाए। बहुत परिश्रम करके देखिए, वर्षा हो गई है, सब लोग आ रहे हैं, हमारी बातें इतनी दूर से भारत से इन चीजों को ले आया और आप लोगों को दे रहा हूं, कहीं इस कान में लिया इधर यहां सभागृह से निकले और निकाल करके चले गए और फिर वही आसक्ति का लंगर उठाया नहीं तो फिर क्या हुआ? इसलिए जिन बातों को कह रहे हैं उस पर गौर करें। अच्छा अभी तो नौजवान हूं, अभी लड़की हूं, नवजीवक हूं, पीछे करूंगा, आज कर सो काल कर, काल करो सो परसों, क्या खटखट में पड़े हुए हो, समय पड़ा है परसों, आज न कल न परसों करेंगे, बूढ़े होंगे तब करेंगे, करें ऐसा मत सोचो, काल कर सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होयगी बहुरी करोगे कब, पल में परलय हो जाएगा कब करेगा, आज ही से जो सुन रहे हैं आज ही से हरि भजन करना आरंभ, प्याज लहसुन छोड़ दो, मांस मछली यदि खाते हो छोड़ दो, घर का सब काम करो, भगवान से संबंध रख करके मैं उनका दास दासी हूं, हमारे परिवार सबका पालन पोषण सब करो, किंतु सत्य गुण का अवलंबन करते हुए सत्य शुद्धि आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि यदि भोजन में शुद्धि नहीं रहेगी तो जिस भोजन से को खाएंगे वो रक्त होगा, रक्त से मेद मज्जा होकर के वृद्धि होगा और उसी के द्वारा बुद्धि बनेगी। यदि सुअर का मांस खाया तो सुअर की बुद्धि होएगी, कुकर का मांस खाया या बकरी का तो काम जैसा बुद्धि होगी अवश्य में वो, प्याज लहसुन खाएंगे तो वैसे ही तामसिक बुद्धि होगी, अपने भाई को और पिता को भी बिना काटे हुए नहीं छोड़ेंगे, पैसे के लिए दमड़ी के लिए सारी चमड़ी चली जाएगी। इसलिए इन बातों को सुन करके आज ही से भाई भजन करना आरंभ कर दो, बहुत परिश्रम नहीं है, अरे सवेरे तुम भगवान को कह दो मैं तुम्हारा हूं और एक बात राम राम कह दो। 1,00,000 श्लोक का बनाया हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण, राम के रहते हुए, राम के बाद में नहीं, और उसी के लिए देवता मनुष्य और राक्षस लोग तीनों लड़ने लगे, हम लेंगे हम लेंगे,
जो लेगा और जिसका पान करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए तीनों लड़ने लगे। भगवान शंकर दयालु वहां पर पहुंचे, बोले भाई लड़ो मत, मैं उचित रूप में इसका बंटवारा कर देता हूं। उन्होंने 1,00,000 श्लोकों को 3 भाग में विभाग करके 33,000 मनुष्यों को और राक्षसों को और असुरों को और देवताओं को बांट दिए। अब रह गया 1,000। 1,000 को उन्होंने 333 भाग में विभाग करके फिर दे दिए। अब रह गया कितना, 1 श्लोक। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं अनुष्टुप छंदों में, वो रामायण जो है अनुष्टुप छंदों में है, 4 चरण होते हैं, एक एक चरण दे दिया। अब 1 चरण बच गया। 1 चरण में 8 अक्षर होते हैं और 3 आदमी हैं तो 2-2 अक्षर दे दिया, तो बाकी कितने रह गए, 2 रह गए। शंकर जी ने कहा जे भैया ये मोहन मैं नहीं दूंगा, ये मैं लूंगा, और यही राम नाम है। समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है ये कृष्ण नाम राम नाम, बस कलयुग केवल नाम आधार, यह नाम ही आधार है। कुछ नहीं होता है, यज्ञ नहीं होता है, कोई बात नहीं है, तपस्या नहीं होता है, इसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये अभी तो बच्चे ने बतलाया, तपस्या से, दान से, पुण्य से, ये अभी समय रहता तो और भी बहुत बतलाता, ये दान करने का क्या फल होता है। एक आदमी ने बनाया अस्पताल, लाखों करोड़ों रुपए बना करके, उसमें बड़े बड़े डॉक्टर सब नियुक्त किए गए, बड़ी चिकित्सा होने लगी, बड़ा प्रसन्न हुआ जी हमारे रुपये से ये चल रहा है, बिना पैसे की चिकित्सा हो रही है। और उसमें एक डकैत आया, उसने 50 आदमियों को मार करके आया, किंतु गोली लगने से घायल हो गया। उसने उस लोग तो जानते नहीं, वो कहीं गिरा हुआ था, एक व्यक्ति दयालु व्यक्ति ने उसको उठाया और उसी अस्पताल में भर्ती कर दिया और कुछ पैसे दे करके उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दी। वहां पर इलाज हुआ, इलाज अच्छा होने के बाद में उसकी प्रसोध की भावना उठी, जिस व्यक्ति की गोली से जिसके घर में उसको गोली लगी और जिन लोगों को मारा था, अब कहा जैसे इस घर, अब इसके बाद में मैं जाकर के अपने दल बल के साथ में और सबको मारूंगा। अपना फिर दल इकट्ठा किया और कुछ दिनों के बाद में घर पर धावा करके और उसके घर वालों को 50-60 आदमियों को फिर गोली से भून करके फिर चला। अच्छा, ये जो गोली का जो भूना और जो पीछे से जो इतनी हत्याएं हुई, इसका दायित्व तो किस पर है, इसका फल कौन भोग करेगा, जिसने मारा वही नहीं, वही नहीं, जिसने अस्पताल बनाया जिसमें कि वो बचा वो भी इसका भोग करेगा। अस्पताल बनाया ठीक है, उसका जो भला हुआ उसका अलग से फल भोग करेगा और ये बुरे कर्मों का फल भी उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए सभी कामों में कुछ भला और बुरा होता है, उसको भोगना पड़ता है, भगवान उसको सत्तु पीस डालेंगे। स्कूल बना रहे हैं बड़े जन, हमारे यहां 2,000 लड़के 3,000 लड़के पढ़ते हैं, इसमें से 4 आदमी डकैत हुए, 4 डकैत हुए और लोगों का तो अच्छा हुआ, उसका तो पुण्य फल आपको मिला, और जो 4 डकैत होकर के लोगों को मारा उसका फल किस पर जाएगा, उस पर भी जाएगा, जो जिस स्कूल में पढ़ा जिसने बनाया उसके ऊपर भी आएगा। महाराज नृग रोज कोटि कोटि गायों का दान करते थे, सोने से सिंगे मणि और पैर में खूब चांदी के और रेशमी वस्त्र सोने से अलंकृत उनके पीठ पर और दूध से अभी बछड़ियां गाय की और उसके साथ में दान करते थे, जो 20-25 किलो 30 किलो 40 किलो दूध देती हैं। और ऐसे ही न जाने कितना किया दान, जो तारों का गिनना सहज है, पृथ्वी के बालू कण को गिनना भी सहज है कि तुमके गायों की गिनती करना बड़ा भारी, लाखों वर्षों तक दान किया। फल ये हुआ कि एक दिन जिस गाय को दान कर चुके थे वो दूसरे एक दल में मिल गई जिसको वो दान करना चाहते हैं। वो ब्राह्मण कहा जे ये तो मेरी गैया है, मुझे दान में दिया था, और कहता जे नहीं तो ये तो महाराज ने अब मुझको दान दिया। दोनों लड़ने लगे, महाराज के पास में आए, महाराज आप उचित न्याय करके हमारी गाय दिलवा दीजिए। वो कहता है ये गाय मेरी है, ये मेरी है, और महाराज की दी हुई।
राजा ने कहा जी भाई कोई बात लड़ने की जरूरत नहीं, हमने तो दी थी, हम इसके बदले दूसरी गाय दे देते हैं, तुम ले लो संतुष्ट हो जाओ, तुमको भी एक गाय दे देते हैं। नहीं महाराज, हमको जो गाय दिया था वही गाय लेंगे, दूसरी गाय नहीं लेंगे। अरे इसके बाद में 100 लो, 1000 लो, 1,00,000 गाय ले लो तभी संतुष्ट हो जाओ। नहीं महाराज, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम वही गाय लेंगे। वो भी अपनी जीत पर अड़ गया, ये भी फल हुआ कि दोनों ने मिलकर के अभी संपात किया। गिरगिट की तरह में तो रूप बदलता है, अपने भावों को बदलता है, इसलिए जा तो गिरगिट हो जाए। क्या फल हुआ उनको? जो फल गाय ध्यान दिए उसका तो अलग से फल स्वर्ग में जाए, और फिर स्वर्ग का फल भोग करने के बाद में ये बुरे कर्मों का ये जो भी संपात उसको भोगना पड़ेगा, और होकर के गिरगिट होकर के सौभाग्यवस्त वो आया द्वारका के एक कुएं में, प्रफारी गिरगिट होकर के हजारों लाखों वर्षों तक दुख भोगता रहा। कृष्ण के बच्चे शांब और प्रद्युम्न इत्यादि सब बच्चे सब खेल रहे थे, उनको प्यास लगी, कुएं में देखा, अरे ये तो कोई जानवर है, पानी तो दिखाई नहीं पड़ता। सब लोगों ने बहुत चेष्टा की उसको निकालने के लिए, नहीं निकल सका। कृष्ण के पास में गए, अरे अद्भुत एक जानवर कुएं पड़ा है, पिताजी जरा देखिए। तो वो आए, वो तो जानते ही है सब कुछ, आकर के अपने पैर को नीचे लटकाया, उसके सिर पर स्पर्श कराने के साथ ही साथ में एक देवता सा अत्यंत सुंदर सुपुरुष उसमें से निकला, और कृष्ण की परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करके जाने लगा। कृष्ण ने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा, आप कौन हैं और कैसे यहां पर पड़े? तो मैं महाराज नृग हूं, मैं आज से हजारों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले ऐसे गायों का रोज दान करता था, और ऐसे ब्राह्मणों ने झगड़ा करके एक गाय के लिए हमको अभिसंपात कर दिया, और आज उसी के वजह से मैं गिरगिट इसमें पड़ा हुआ था। वो तो आपके चरणों के स्पर्श से मेरा आज उद्धार हो गया, नहीं तो मैंने नहीं कब तक ये भोग करता रहा। कृष्ण ने कहा जी देखो, ये तुम तो भोग रहा था, किंतु ये हमारा संग कैसे हो गया? अरे उस जन्म में तुमने एक भागवत की पोथी लिखवा करके किसी से और एक किसी ब्राह्मण को दिया था, उस भागवत की कथा सुनने से और पढ़ने से उसका जो फल हुआ उससे तुम हमारा संग भाग गया, हमारे चरणों का स्पर्श भाग गया, इसलिए तुम्हारा उद्धार। ऐसे ऐसे कर्म से बंधन में पड़ेंगे आसक्त होकर के, उससे कुछ नहीं होता, कुछ सांसारिक लाभ होगा, कुछ धन जन पुत्र परिवार संपत्ति, किंतु यथार्थ का कल्याण नहीं होगा। वह होगा बिनु हरि भजन न भव यह सिद्धांत अपने। भले ही कमट के कछुए के पीठ पर केश उग जाए, भले ही आकाश में बहुत से फूल खिल जाए, चाहे भले ही बर्फ से आग पैदा हो जाए, चाहे भले ही हिमटे अनल प्रगट पर होई, हिम से आग प्रकट हो सके, अंधकार पर रभी न साबा, अंधकार सूर्य को भी निगल जाए, बारी मथे बरु हो ये घृत सिकताते बरु तेल, बिन मुहरी भजन न भवतरीय यह सिद्धांत। इसलिए भगवान का भजन करें, करते हैं सब कुछ करें, कोई भी आपत्ति नहीं है, सभी भगवान के दास हैं, किंतु थोड़ा सा भजन का भाव उसमें मिला करके करें। अब थोड़ी सी राम की कथा पर आ रहा हूं, आज राम की कथा का समापन करके कल से कृष्ण की थोड़ी सी कथा का रसास्वादन करा करके हम अपनी कथा को समाप्त करेंगे। कीर्तन कर, अच्छा हाँ, 2 मिनट कीर्तन कर, अच्छा बोलो। सुनाया था क्या? अच्छा अच्छा, अरे तुम भी आ जाओ पीछे से दुहार करने के लिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। छोटी सी
Thank you.